तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको ऐसे पांच ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने वाला हूं जो कि यहां पे रिस्की हैं बट यहां पे काफी अच्छे रिटर्न्स आपको दे के जा सकते हैं। मैं शॉर्ट टर्म के लिए रिटर्न्स भी बताऊंगा, थोड़ा लंबे समय के लिए, 6 महीने के लिए भी बताऊंगा और स्विंग के लिए भी बताऊंगा, पोजिशन के लिए भी सारे ही टारगेट्स मिलेंगे दोस्तों। और ये सारे स्टॉक्स मैंने सुबह निकाले थे और मैं शाम को वीडियो बना रहा हूँ, तो एक एक कैंडल और बन चुकी है वहां पे और यहाँ पे देख सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक का है। और दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं दोस्तों, यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंस डे का ऑफर रनिंग में है प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहां पे आप मैसेज कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे @BossEnalyst आपको वैसे भी ग्रुप में बहुत सारे मैसेज मिल जाएंगे, वहां से आप मैसेज कीजिए मुझे दोस्तों और स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग का भरमार फायदा उठाइए दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले स्टॉक इंडियन ओवरसीज बैंक का है, डेली टाइम फ्रेम है, सिंपली मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है एक, और यहाँ पे ₹27 का लेवल जो कि काफी पहले ब्रेक किया था और इसको मैंने टैकल भी किया था डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों, ये सिंपली इस कंसोलिडेशन जोन के बाद ब्रेक हुआ है और ये ब्रेक होने के बाद ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पे मैंने इस स्टॉक को पिक किया था। तो यहाँ पे देखते हो, मैंने ऐसा ही सोचा था कि आपको यही बताऊँ कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगी, रिट्रेसमेंट कितनी हो सकती है वो दिखा देते हूँ दोस्तों। लगभग इसके हाफ तक हो सकती है, हाँ अगर ये लेवल बिल्कुल टच करके जाता है, रिटेस्ट करके जाता है, वैसे रिटेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि पहले ही बहुत रिटेस्ट कर चुका है, बट थोड़ा हाफ में भी आता है तो वहां पे आप एंट्री बना सकते हो दोस्तों। और अगर नीचे भी आता है थोड़ा बहुत तो वहां पे भी आप एवरेजिंग कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और ये देखिए, यहाँ पे आपका ₹28.85 पे आपका रहेगा एंट्री, आपका स्टॉप लॉस रहेगा ₹27 पे, या फिर आप यहाँ पे रख सकते हो एंट्री आपकी रख सकते हो, आप लगभग लगभग ₹28.50 के आसपास, ₹60 के आसपास। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 5% का। टारगेट फर्स्ट कितना रहेगा दोस्तों, वो पिछले लेवल्स को देख के बताऊंगा मैं। टारगेट फर्स्ट रहेगा आपका दोस्तों यहाँ पे फिलहाल 13% का स्विंग और पोजिशन के लिए ₹32.50 का टारगेट। नेक्स्ट टारगेट दोस्तों आपका रहेगा लगभग लगभग 26% का, यानी कि ₹36 का। अभी वीकली में चले जाते हैं दोस्तों, वीकली में टारगेट थोड़ा बड़ा बताऊंगा दोस्तों अभी मैं। ये देखिए दोस्तों, पहले मैं मंथली में ही चला जाता हूँ दोस्तों एक्चुअली, क्योंकि ये स्टॉक की ना बहुत लंबी हिस्ट्री है। देखिए दोस्तों, देखिए कितना लंबा स्टॉक ने जो है यहाँ पे पोटेंशियल दिया है। अभी यहाँ पे ना मैं ये इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, बहुत छोटा रह चुका है ये, तो अभी देखिएगा दोस्तों आप। ये देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस बहुत छोटा, टारगेट बहुत बड़ा, ₹85 का टारगेट यहाँ पे, जो कि एक दो साल तक होल्ड कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे जो है ₹160 का लेवल बहुत डिसेंट रहेगा, 463% के रिटर्न। यानी कि मैंने आज को आपको वीडियो शुरू होते पहले ही दिखाया, बताया कि आपको टारगेट इतना बड़ा दूंगा सभी के लिए, स्विंग के लिए, पोजीशन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, सभी के लिए बता दिया दोस्तों ये स्टॉक का, इंडियन ओवरसीज बैंक का। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे है दोस्तों। तो यहाँ पे HCC नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों हमारा, यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, सिंपली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है मैंने, उसको ब्रेकआउट दिया है। अभी ये क्यों यहाँ पे नहीं लिया, इसको लाइन को ऊपर होना चाहिए था, वो मैं आगे बता दूंगा दोस्तों, वैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पे ₹20 का लेवल ब्रेक दिया है। अगर आप नोटिस करोगे सारे स्टॉक ना 20, 25, 50, 100 के ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो मैंने बोला था वीडियो की शुरुआत में कि थोड़े से रिस्की स्टॉक्स होने वाले हैं बट बहुत डिसेंट प्रॉफिट देखे जाएंगे आपको। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखिए दोस्तों, बट उसके बाद वीकली में दिखाता हूँ दोस्तों। एक्चुअली मैंने डेली टाइम फ्रेम में एक बार वापस जाता हूँ, यहाँ पे ही ये देख लिया था बट एक कैंडल और ऊपर बन चुकी है आज की, मैंने सुबह ही एनालाइज किया था, आपको बताया इस वीडियो की शुरुआत में। अभी देखेगा दोस्तों वीकली में ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि वीक में इंपॉर्टेंट नहीं मानता दोस्तों उतनी। अभी ये देखेगा वीकली में ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, सिंपली ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों। अभी चलते हैं मंथली में दोस्तों, बड़ा धमाका देखने के लिए। ये देखो दोस्तों, ये है दोस्तों लेवल्स, आपके सामने है सब कुछ। अभी मान के चलिए आप यहाँ पे एंटर करते हो दोस्तों, स्विंग के लिए, पोजिशनल के लिए, सभी के लिए बता देता हूँ दोस्तों। एट द प्राइस अगर आप एंटर करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना रहेगा दोस्तों, अगर स्विंग या फिर पोजिशनल के लिए चल रहे हैं जो लोग, वो उनका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 22% का या 20% का। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है जो यहाँ पे ₹20 का स्टॉप लॉस है, यानी कि ये देख सकते हो 20% का स्टॉप लॉस एक्चुअली। बट जो लोग बिल्कुल स्विंग ट्रेडिंग के लिए चल रहे हैं दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के लिए चल रहे हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा होने वाला है। स्टॉप लॉस होगा दोस्तों ₹24.80 का और टारगेट उनके लिए रहेगा दोस्तों कितने रुपए का, टारगेट उनके लिए रहेगा 20% का दोस्तों, ये 18% का, ₹30 का टारगेट रहेगा दोस्तों। ये टारगेट हो गया हमारा। और यहाँ पे अभी बताता हूँ थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए जो देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जो देख रहे हैं ₹42 का आपका रहेगा टारगेट और स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है दोस्तों। आपका स्टॉप लॉस होता है 10% का, ₹23 का स्टॉप लॉस देगा। और अब थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए देख रहे हैं दोस्तों जो लोग,
तो उनके लिए देखते हो 65 रुपीज के आसपास, यानी कि 150% के रिटर्न आपको यहाँ पे गेन होने को मिल सकते हैं। उसके बाद का लेवल आप देख ही सकते हो, 100 के ऊपर पार कर सकता है अगर ये इसका स्टॉक का पोटेंशियल होगा, हर लेवल को ब्रेक करेगा तो। दोस्तों अभी नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों जो कि काफी ट्रेंडिंग में है, तो वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। काफी लोगों ने एनालाइज किया हुआ है, तो ये फिलहाल BSE का चार्ट है एक्चुअली, तो मैं NSE का खोलता हूँ क्योंकि वहां पे मैंने लेवल्स ड्रॉ किए हैं। मंथली का है देखिए दोस्तों, सिंपली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है येलो कलर की, जिसको बहुत पहले ब्रेक किया, फिर उसमें रिटेस्ट किया, फिर स्विंग लो बना के फिर ऊपर चढ़ा है, और ये 31 रुपये 20 पैसे के लेवल को एक बार यहाँ पे टेस्ट किया, बट थोड़ा सा वापस आ गया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया, प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, बट सेलर्स ने फिर से वापस प्राइस लिया और फिर यहाँ पे बायर्स ने दम दगाकर यहाँ पे प्राइस ओके कर दिया है। वीकली में चलते हैं, वो था मंथली में, वीकली में भी देख सकते हो यही है सेम सिनेरियो। यहाँ पे डेली में चलते हैं दोस्तों, डेली में भी बिल्कुल यहाँ पे चढ़ चुका है स्टॉक, यहाँ पे मैंने एनालाइज किया, एक कैंडल ऊपर और बन चुकी है। अभी वापस मंथली में चलते हैं, सबके लिए सेम टारगेट सेम स्टॉप लॉस बताऊंगा, मतलब अलग अलग बताऊंगा सबके लिए। तो यहाँ पे स्विंग के लिए देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले आप स्विंग के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों 7% का, यानी कि 36 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है टारगेट कितने परसेंट का रहेगा दोस्तों वो देख लेते हैं। टारगेट रहेगा लगभग, मैं आपको पिछले लेवल्स देख लेता हूँ, तो यहाँ पे टारगेट हमारा अप्रॉक्स यहाँ पे 44 रुपीज के आसपास का रहने वाला दोस्तों, लगभग यहाँ पे, जो कि 14% का टारगेट रहेगा दोस्तों। ये होगा स्विंग के लिए दोस्तों। अभी जो लोग थोड़ा लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं दोस्तों, 14% का स्टॉप लॉस यानी कि 33 रुपये का स्टॉप लॉस, क्योंकि थोड़ा बहुत स्टॉक करेक्शन तो दे सकते हैं, वैसे इतना स्टॉक करेक्शन देगा नहीं, इसको भी आप यहाँ पे 35 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हो, यानी कि 9% का स्टॉप लॉस हो गया आपका। अभी टारगेट कितना दोस्तों, टारगेट ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 6 महीने 3 महीने साल मैक्स टू मैक्स यहाँ पे उनके लिए 50% का टारगेट डिसेंट रहेगा दोस्तों, यानी कि 58 रुपीज़ के आसपास का टारगेट है 50% का। और नेक्स्ट जो लोग थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं दोस्तों, उनके लिए करेक्ट अमाउंट बता रहा हूँ 80 रुपीज़, यहाँ पे 80 रुपीज़ का टारगेट आप अचीव कर सकते हैं, जो कि 109% का रहेगा दोस्तों। यहाँ पे आप बिलीव करोगे, यहाँ पे समझ ही सकते हो, 109% का रिटर्न आपको भी यहाँ पे मिल सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दोस्तों। अभी बात करते हैं दोस्तों सेंट्रल बैंक की, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक का देख लेते हैं दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। NSE का चार्ट सिंपली मंथली में है, ये सारे स्टॉक आज मैं मंथली और वीकली में ही दिखाऊंगा दोस्तों, डेली में बहुत कम दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मंथली में एक लेवल यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है कुछ पॉइंट्स को मिला के, जिसको इसने बहुत पहले ब्रेक किया है दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा, बहुत पहले ब्रेक कर दिया दोस्तों, यहाँ पे ब्रेक किया, एक्चुअली थोड़ा रुक के ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई, यहाँ पे ब्रेक करके क्लोजिंग ऊपर दे दी, रिटेस्ट किया, फिर आगे चला, मतलब बिल्कुल करेक्ट लेवल है दोस्तों यहाँ पे। ये भी स्टॉक एक थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है दोस्तों, बट आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, क्लोजिंग ऊपर दे दी है लेवल के 33 रुपये के। और अभी वीकली में चलते हैं दोस्तों, वीकली में एक कैंडल ऑलरेडी क्लोजिंग दे चुकी है, दूसरी कैंडल देने वाली है, 3 दिन के बाद क्लोजिंग होगी दोस्तों। अभी डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम में भी यही सिनेरियो, आज की क्लोजिंग हो चुकी है दोस्तों, मैंने यहाँ पे एनालाइज किया था, एक कैंडल ऊपर है, बराबर कर सौदा यहाँ पे लगभग 32 रुपये 95 पैसे पे था, और आज 33 रुपये 35 पैसे पे हो गए, यानी कि ऑलरेडी आपको यहाँ पे 1.5% मिल चुका है दोस्तों। बट अब वीकली पे जाके आपको लेवल्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ कौन कौन से लेवल्स रहेंगे दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो दोस्तों, स्टॉप लॉस कितना रहेगा स्विंग वालों के लिए, स्विंग वालों के लिए रहेगा लगभग 4% का स्टॉप लॉस, यानी कि 31 रुपये 75 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। टारगेट फर्स्ट रहेगा आपको 19% का, यानी कि 40 रुपये के आसपास का, 39 रुपये 85 पैसे का दोस्तों। यहाँ पे जो लोग करना चाहते हैं अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड, तो उनके लिए मंथली में चले जाते हैं दोस्तों। तो मंथली में यहाँ पे थोड़ा इसको खींच लेते हैं लंबा, अभी देखेगा दोस्तों स्टॉप लॉस लगभग सेम रहेगा, थोड़ा बहुत कैंडल के लोकल ले सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट टारगेट दोस्तों 60% का रहने वाला है दोस्तों। अभी नेक्स्ट टारगेट दोस्तों यहाँ पे रहेगा लगभग 109 रुपीज का दोस्तों। और नेक्स्ट टारगेट आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे 191 को भी टच करने का पोटेंशियल है स्टॉक में, बट यहाँ पे फिलहाल जो है लेवल 140 का लेके मान सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है, तो 140 का लेवल या 138-140 का लेवल डिसेंट रहेगा, यानी कि कितना रिटर्न हो गया दोस्तों अगर वहां तक भी खींचोगे तो लगभग 321% का आपको पैसा 3-4 गुना हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो लास्ट स्टॉक दोस्तों ये है सातिया का, सातिया इंडस्ट्रीज। अभी मंथली में है, मंथली में कुछ खास इसमें है नहीं, वीकली में चलते हैं। वीकली में यहाँ पे जो है ट्रेड किया और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया मैंने, और ये ऊपर क्लोजिंग दी थी, फिर यहाँ पे एक और कैंडल जो है ग्रीन होना शुरू हो चुकी है, जो कि वीकली में डेली में एक्चुअली क्लोजिंग भी दे चुकी है। यहाँ पे डबल कंफर्मेशन था, इसलिए मैंने सुबह ही एनालाइज कर लिया था, बट आज डेली की कैंडल ऊपर बन चुकी है। कितनी क्लोजिंग दी है दोस्तों इसने,
यहाँ पे लगभग लगभग 4% मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है, जो कि मैंने सुबह एनालाइज किया था। वैसे मैंने टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि 4% मेरे लेवल से ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। बट अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते भी हो और स्टॉप लॉस लेके चलते हो स्विंग के लिए 4% का, 123 रुपये का, और टारगेट रखते हो दोस्तों लगभग 12% का स्विंग के लिए। अभी थोड़ा सा जो लंबे टाइम के लिए देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए 160 का लेवल, यहाँ पे 25% का, और जो लोग इससे भी लंबा होल्ड कर सकते हैं दोस्तों, तो उनके लिए यहाँ पे रहने वाला दोस्तों लगभग लगभग 177, यानी कि 37% का टारगेट दोस्तों। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बताना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।